हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी के टिवारिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने पड़े हैं बहुत सारे लीव्स और ये ब्रांचेस पड़ी हुई हैं। ये किस चीज़ की है? तो ये है हमारा जो बड़ा सारा प्लांट है ना, उसी की हमने कटाई छटाई कर दी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी लीव्स जो है उनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से कट करा है मैं वो आपको दिखाती हूँ। बहुत मेहनत के बाद ये कटा है यहाँ से, तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हमने सारा इसको कट कर दिया है, क्योंकि अभी बिल्कुल विंटर स्टार्ट ही हो गया है, तो नीचे गली में धूप चाहिए, इसकी वजह से हमने इसे कट कर दिया है। और ये जो लीव्स हैं ये सारी हमारी काम आ जाएगी कंपोस्टिंग में। तो आज का वीडियो जो है वो कंपोस्टिंग के ऊपर ही है। किस चीज़ की कंपोस्टिंग है, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सारा एरिया जो आपको दिख रहा है ये मेरा कंपोस्टिंग का एरिया है। और आप गिन सकते हो यहाँ पर कितने कंपोस्ट बिन मेरे रखे हुए हैं। ये वाला सबसे बड़ा कंटेनर है और इसमें मैं इस बार कर रही हूँ, ये देखिए, सिट्रिक फूड जो होते हैं ना, या सिट्रिक्स जो हमारे वेजिटेबल होते हैं, या फिर जैसे कि नींबू हो गया, और जैसे कि हमारा संतरा, मौसमी, ये सब हो गया, तो इसका मैं कंपोस्ट इस बार बना रही हूँ। तो इसके लिए देखिए इतना बड़ा सारा कंटेनर मैंने चूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग 40 लीटर का होगा। इसमें सारा ऊपर से नीचे तक जहाँ तक भी ये फिल हुआ है, तो इसमें मैंने सारे के सारे डाले हैं मौसमी के छिलके। तो मौसमी के छिलके जो हैं वो बहुत ही बेस्ट तरह का आपके लिए कंपोस्ट बनेगा। आप सब जानते ही होंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है या फिर जितने भी वेजीज वाले प्लांट है, उनको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक उसमें सॉइल होगी तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, तभी फ्रूटिंग होगी। तो इसीलिए मैंने इस बार सारा ये जो कंपोस्ट कर रही हूँ इसको अलग से कर रही हूँ, ताकि सिट्रिक एसिड वाला कंपोस्ट मेरे लिए बनकर रेडी हो जाए। तो कैसे रेडी किया है, सबसे पहले तो देख लीजिए, इतना बड़ा ये कंटेनर है और इसके बॉटम में मैंने होल कर रखे हैं। ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से। आप चाहो तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, बट ये ऊपर की तरफ से गंदा लिक्विड जो निकलता है, लीचड़ इसे बोलते हैं, ये मुझे बुरा लगता है देखने में, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ होल कर दिया है। बॉटम में भी है और यहाँ साइड में भी है। मैंने ये साइड में ये सोचकर किया है कि अगर कभी बॉटम वाला होल बंद हो जाए तो यहाँ से मुझे निकलता हुआ ये दिखता रहे। आप इसको चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, आप इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कमेंट करोगे तो इसका यूज़ भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पर। तो नीचे बॉटम में होल बनाया, उसके बाद मैंने सारे मौसमी के छिलके डाले, उसके ऊपर से मैंने मिट्टी डाली। तो यही प्रोसेस जो है इसको रिपीट कर दिया है मैंने काफ़ी बार, क्योंकि ये 10 दिन में सारा डिकम्पोज हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके ये ऊपर तक फिल हो जाए। बीच बीच में मैंने इसमें दो तरह के लिक्विड भी स्प्रे किए हैं। वो कौन से लिक्विड हैं, ताकि मेरा ये जो खाद है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाए और इसमें कीड़े वगैरह ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो भी हम कंपोस्टिंग करते हैं उसमें थोड़े से कीड़े तो होते ही हैं। कीड़े हो जाए कोई बात नहीं, वो डिकम्पोज का जो मेथड है उसको फास्ट कर देते हैं, बट आपके कंपोस्ट से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर स्मेल आई तो आपका कंपोस्टिंग जो है वो ख़राब हो रहा है, वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो मेरे कंपोस्ट में से इस टाइम कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो चलिए, मिट्टी से मैंने इसको कवर कर दिया है अच्छे से। एक दो चीज़ें मैं ऊपर और ऐड करूँगी, और कौन से लिक्विड मैंने इसमें स्प्रे किए हैं या डाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा गोबर की खाद, अच्छी खासी डिकम्पोज हो चुकी है ये बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कम्पोस्ट, 1-2 मुट्ठी के करीब आप डाल सकते हो। तो आप चाहो तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसको डाल सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो। तो ये मैं ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर। ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालती हूँ, क्योंकि कंपोस्टिंग के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इतना डाल दिया, उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ इसको। ये देखिए, ये 1 घंटा पहले यहाँ पर मैंने गुड़ जो होता है, जैगरी जिसे बोलते हैं, तो मैंने इसको इसमें भिगो कर रखा था, इसको भी मैं इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। आप चाहो तो स्प्रे कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे ही छिड़काव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं छिड़काव करूँगी इसका। तो देखिए, बस मैं इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे छिड़क देती हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कंपोस्ट जो है वो पहले ही इतना लिक्विड ही होता है। तो सिर्फ ये वाटर ऐसे डालने का मतलब ये है कि सिर्फ हमारा जो कंपोस्ट है उसकी क्रिया जो है, जो उसका मेथड है, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसके बाद स्प्रे करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा बना हुआ एंजाइम कब बनाया था आप देख सकते हो, 23/1 लिखा है, मतलब कि मैंने जनवरी में बनाया था। इस साल की 23 जनवरी जब थी तब मैंने इसको बनाया था। डेट इसलिए लिख कर रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 1 साल ही होने को आ रहा है इसको।
तो 3 महीने के बाद जो हमारा एंजाइम है वो बनकर रेडी हो जाता है। एंजाइम कैसे बनाते हैं इसका प्रॉपर वीडियो है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लीजिए। तो मैं इसको भर लेती हूँ अपने स्प्रे बोतल में, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद देखिए मैंने स्प्रे बोतल में अपना लिक्विड भर लिया है, और ये देखिए तो ये जो हमने अभी लिक्विड भरा है एंजाइम जो है, मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा ऐसे नहीं भरा, इसको डाइल्यूट कर लिया है। आधा मैंने लिक्विड रखा है, आधा क्या बोलूँ मैं आपको, 2 ढक्कन लिया है मैंने बोतल के, और बाकी सारा इसमें मैंने पानी भर लिया। ठीक है, तो आप इसको अपने गार्डन में भी यूज़ करोगे, जैसे अभी मैंने जो आपको रेशियो बताया है वही रेशियो आप अपने गार्डन में भी यूज़ करोगे और अपने कंपोस्टिंग में भी यूज़ करोगे, चाहे आप किसी भी तरह की कंपोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो कंपोस्ट है वो थोड़ा सा जल्दी बनेगा, और इसमें कीड़े वगैरह जो ज़्यादा पड़ जाते हैं, स्मेल वगैरह जो आती है वो सब नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से स्प्रे कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से मैं एक और मिट्टी की लेयर बना दूंगी, क्योंकि अभी जो हमने लिक्विड इसमें डाला है उसकी वजह से मिट्टी थोड़ी सी हट गई है जगह से, तो आपको इनको प्रॉपर तरीके से कवर करना है। मिट्टी जब भी आप इसमें डालोगे ध्यान रखना कि मिट्टी आपकी सूखी हो। अगर आपका कंपोस्ट ज़्यादा गीला है, ज़्यादा लिक्विडी है, तो आप उसमें सूखी सूखी चीज़ें डालो, जैसे सूखी मिट्टी डालो, सूखे पत्ते डालो, सूखे न्यूज़पेपर कॉपी वगैरह की जो होते हैं पेज उनको फाड़ फाड़ के डाल सकते हो। गत्ता आपके पास पड़ा है तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके डालना। छोटे छोटे टुकड़े का मतलब होता है ये देखिए, इतना छोटा छोटा कर लेना, इससे ज़्यादा बड़े करोगे तो क्या होगा कि वो आपके वाटर को ज़्यादा स्टोर कर लेंगे और इनके होल वगैरह जो होते हैं वो बंद कर देंगे। तो अभी जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है यही प्रोसेस मैं रिपीट करते आ रही हूँ पिछले 15 दिनों से, क्योंकि पिछले 15 दिनों से हम इसको भर रहे हैं और ये डिकम्पोज होता जा रहा है, नीचे नीचे बैठता जा रहा है। तो जब तक ये ऊपर तक नहीं फिल हो जाएगा मैं ऐसा ही करती रहूँगी, और जब मुझे लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छी तरीके से फिल हो गया है और हमें इसको घुमाने का जगह नहीं मिल रही है, तो मैं इसमें डालना कुछ भी बंद कर दूंगी। तो आपको 10 दिन में क्या करना है, कोई भी टूल लीजिए और इसको आपको ऊपर नीचे हिला देना है। आप हिलाओगे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो आप सब जानते होंगे कि जो प्रोसेस होता है कंपोस्टिंग का वो बॉटम से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 ऊपर आता है और बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको अलट पलट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो घंटे का बेल आइकन आता है और पे प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।